अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राहत सरफराज और आप देख रहे हैं राहबर ट्रेनिंग सर्विसेज। फैब्रिक टेस्टिंग के हवाले से एक और नए वीडियो सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। टीयर स्ट्रेंथ के हवाले से आज का टेस्ट है विंग शेप टीयर मेथड, ISO 13937 ऑप्शन 3 है। इसके लिए हमें रिक्वायर्ड है फैब्रिक जो कि 4 घंटे कम अज़ कम स्टैंडर्ड एटमोसफेयर में कंडीशन किया हो। विंग शेप टीयर स्टेंजा एज पर स्टैंडर्ड हम 150 mm सेल्विस से फैब्रिक छोड़ के टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। वार्प साइड को हमने रेवल कर लिया है। वार्प साइड हमने रेवल की है तो ये कटिंग होगी हमारी वेफ्ट की टीयर, क्योंकि परफॉर्म करने के दौरान जो धागे टूटेंगे वो वेफ्ट के टूटते हैं, इसलिए ये वेफ्ट टीयर होगी। और वेफ्ट के हम धागे रेवल करेंगे तो जो हमारे पास स्पेसिमेन हासिल होगा वो वार्प का हासिल होगा। ये हमने एक सेट तैयार कर लिया है। अब मैं आपको इसकी डाइमेंशंस बता देता हूँ। जो लेंथ है इसकी सेंटर से 200 mm है और विड्थ जो है वो 100 mm है। और जो हमारी ये कटिंग है सेंटर कटिंग 100 mm है। तो इस तरह से हमने स्पेसिमेंस 5 तैयार करने लिए हैं डायगनली। तो हमने 5 स्पेसिमेन तैयार कर लिए हैं। अब हम अपनी मशीन पे आ जाते हैं परफॉर्म करने के लिए। मैं Titan 5 यूज़ कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड मशीन है ये। सॉफ्टवेयर में हम अपना जो है प्रोग्राम ओपन करेंगे, ISO 13937 सर्च करेंगे और इसकी ऑप्शन 3 ओके करेंगे। इसके बाद हम मशीन की सेटिंग करेंगे। जाज T27 स्पीड 100 mm पर मिनट। स्पेसिमेन हमने 5 तैयार किए हैं रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से और स्टार्ट कर देंगे मशीन को। जो ही हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे हमारी मशीन 100 mm की जा सप्रेशन पर चली जाएगी। सबसे पहले हम वार्प के स्पेसिमेन परफॉर्म करेंगे। स्पेसिमेन हमने बिल्कुल सेंटर में लगाना है। ये देखें, कुछ इस तरह से स्पेसिमेन लगाएंगे। ऊपर भी स्पेसिमेन एक्स्ट्रा जो है बराबर होना चाहिए और नीचे भी बराबर होना चाहिए। इसकी शेप कुछ जैसे कोई परिंदा उड़ता है उस तरह की शेप बन जाएगी। मशीन से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, मशीन पे भी स्टार्ट बटन है, सॉफ्टवेयर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हम जैसे ही स्टार्ट करेंगे मशीन को, मशीन 100 mm पर मिनट की स्पीड के साथ कॉन्स्टेंटली चलती रहेगी और हमारी फैब्रिक टीयर हो जाएगा। जैसे ही 75 mm फैब्रिक हमारा टीयर होगा और लास्ट जो हमारा निशान है वहाँ पे पहुँचेगी हमारी टीयर, तो हम मशीन को स्टॉप कर देंगे और नो ऑब्जर्वेशन लगा देंगे। तो इस तरह ही हमने वार्प के तमाम 5 के 5 टेस्ट परफॉर्म कर लेने हैं। उसके बाद वेफ्ट के भी 5 सैंपल इसी तरीके से परफॉर्म कर लेने हैं। जो ही हमारे टेस्ट परफॉर्म होंगे हम सेव रिज़ल्ट करेंगे तो हमारे तमाम रिजल्ट्स रिपोर्ट की सूरत में आ जाएंगे। हम रिपोर्ट के इंडिविजुअल रिजल्ट्स भी देख सकते हैं, एवरेज रिजल्ट्स भी इस रिपोर्ट में आ जाते हैं, ग्राफ्स भी रिपोर्ट में शो हो जाते हैं। तो हम इस रिपोर्ट को प्रिंट ले सकते हैं, फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं ताकि हमें बाद में कोई ज़रूरत पड़ सके, कस्टमर रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उसको रिपोर्ट भी दे सकते हैं। हमारी आज की वीडियो और हमारे चैनल के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।